class 8 chapter 23 civics relation between the house of parliament जो संबंध या रिलेशन अगर दो हाउस के बीच में अगर देखा जाए तो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि देर आल्सो प्रोविजन अवर कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन भी, अगर दोनों हाउसेस के बीच में अगर किसी बात को लेकर कोई डिफरेंसेस है तो उसको भी रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए ये किया जा सकता है कि दोनों हाउसेस की एक साथ बैठक करके किसी भी आर्टिकल्स पे या किसी भी लॉ पे एक दूसरे के साथ बात करके उस प्रॉब्लम्स को और डिफरेंसेस को सॉल्व किया जा सकता है। जैसा कि कोई ऑर्डिनरी बिल है अगर तो उसे तो सिर्फ लोकसभा में ही पास किया जाता है, मगर कोई इंपॉर्टेंट बिल है तो उसे राज्यसभा और लोकसभा यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों में पास होना बहुत ही ज़रूरी है। राज्यसभा किसी भी बिल को कुछ 14 दिन से ज़्यादा दिन के लिए रोक नहीं सकता, उसे वो पूर्ण विचार के लिए लोकसभा को फिर से वापस कर सकता है, मगर वो उसे स्थगित या कैंसिल नहीं कर सकता है। वो उसे 14 दिन के लिए वापस कर सकता है, मगर बाद में उसे फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए इसे पास करना ही पड़ता है लोअर हाउस को। इसलिए अगर देखा जाए अपर हाउस को, इसलिए अगर ये देखा जाए तो सबसे अगर पावरफुल अगर हाउसेस पर अगर बात की जाए तो लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होता है अगर राज्यसभा से। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में बहुत सारे जो कानून या अमेंडमेंट लाए जाते हैं उनमें ये जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के आपस सहमति पर उसको पास भी किया जा सकता है आसानी से, और कभी कभी उसका विरोध भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये सारे राइट्स दिए गए हैं। पार्लियामेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ द होल पॉलिटिकल ऑर्डर। पार्लियामेंट के ही पास सारे रूल रेगुलेशन है जिससे पॉलिटिकल ऑर्डर के लिए द पार्लियामेंट एंजॉय स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन विद द हाईएस्ट लॉ मेकिंग अथॉरिटी। हमारे पार्लियामेंट के पास ही सारे लॉ मेकिंग की अथॉरिटी मौजूद है, वो किसी भी कानून को हटा सकता है या ला सकता है। डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ जो शक्तियाँ दी गई उसके बाद में यूनियन लिस्ट में अगर हम देखा जाए तो 97 सब्जेक्ट ऐसे से हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम जो दिए गए हैं उसमें यूनियन लिस्ट में सम ऑफ द सब्जेक्ट जो है उसमें नेशनल सिक्योरिटी, वॉर, टेरेटरी, करेंसी, बैंकिंग, सिटीजनशिप, पोस्ट एंड द टेलीग्राफ। इन सब चीज़ों के लिए कानून बनाने का राइट सिर्फ यूनियन लिस्ट के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इंटरफेयर नहीं कर सकता है। स्टेट लिस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर तो कर सकता है मगर उसे रोक नहीं सकता है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, जेल, पुलिस, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। कंकरेंट लिस्ट की अगर बात करें तो कंसिस्ट ऑफ 47 सब्जेक्ट ऑफ लोकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट में इनएक्ट लॉ ऑन दिस मैटर, बट द यूनियन लॉ प्रिवेल ओपन द लॉ ऑफ द स्टेट इन द केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट जो है एक साथ काम कर सकती है, एक साथ उस पर लॉ बना सकती है। रेसिडुअरी पावर्स जो बचे हुए चीज़ें हैं उनके बारे में अगर देखा जाए तो द पावर विच आर द नॉट इंक्लूडेड एनी लिस्ट ऑफ द रेसिडुअरी पावर विच आर असाइन इन द यूनियन गवर्नमेंट। जो बचे कुछ चीज़ें हैं उनकी उनका उनके बारे में जो काम करने का है वो राइट सीधा यूनियन गवर्नमेंट के पास ही रहता है। इज द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ द इमरजेंसी इज इन द प्रेशर ऑफ द ग्राउंड ऑफ वॉर एग्रेशन ऑन द आर्म्ड रिबेलियन द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ एनी सब्जेक्ट इंक्लूड द स्टेट लिस्ट। अगर युद्ध की स्थिति हो जाती है या ऐसी कुछ भी स्थिति होती है तो उसके लिए अगेंस्ट कानून बनाने का अधिकार सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना कि स्टेट गवर्नमेंट उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसमें सीधा कोई भी लॉ बनाकर यूनियन लिस्ट उसे प्रस्तुत कर सकती है। डेट्स इट, चैप्टर क्लोज।